नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और हरियाणा में नई सरकार बन गई है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद तमाम लोगों को, अब जो कैबिनेट मंत्री बने थे उनको अपने अपने कमरे अलॉट कर दिए गए, और इसके बाद कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ता जहां जगह जगह पर अपना जो खुशी का इजहार लड्डू बांटकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने नेता को जो शुभकामना संदेश हैं वो भी देने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा चरखी दादरी में भी देखने को मिला, जब चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने जो नेता के मंत्री बनने की खुशी में लड्डू बांटे गए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ श्रुति चौधरी की, जो कि तोसाम से विधायक बनी हैं, और तोसाम से विधायक बनने के साथ साथ ही वो अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। तो आज उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा खूब खुशी मनाई गई, लड्डू बांटे गए। और अभी हमारे साथ आप यहां पर देख पाएंगे कि कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि लड्डुओं का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। शाम हो चुकी है और शाम तक भी जो है लड्डुओं का सिलसिला ये लगातार जारी है। हमारे साथ यहाँ पर उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, रामंग जी हैं, सत्यवान जी हैं, तो और सत्यपाल सॉरी जी, और हमारे पार्षद साहब भी हैं। तो तमाम जो लोग हैं ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले रामंग जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि बड़ी खुशी का मौका शायद है, अभी अभी भाजपा में ज्वाइन हुए थे जी। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ भी नहीं रहेगा, जीत ही नहीं पाएंगे, जीत गए तो ये कह रहे थे कि मंत्री पद नहीं मिलेगा जी, जी। सारी अटकलों को ख़त्म करते हुए और अब मंत्री पद भी मिल चुका है, जीत तो चुके ही थे जी। तो अब कितनी खुशी, और जो ये लड्डू बांट रहे हो, सुबह से शाम हो गई है लड्डू बांटते हुए आपको। ऐसा है सोमेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को राम राम जी। और इस खुशी के मौके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता को और आपके दर्शकों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सोमेश जी, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, अपार खुशी है सभी कार्यकर्ताओं में। और मेरे से पूछो तो प्रदेश की 36 बिरादरी को ही अपार खुशी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक तरफ जुमले थे, कांग्रेस पार्टी की एक तरफ गोल गोल जलेबी थी, और भाजपा की सरकार बनते ही 24,000 युवाओं को नौकरी। करनी और कथनी में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, और हमें अपनी नेत्री के ऊपर हमारी नेता माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी और बहन श्रुति चौधरी जी बहुत अनुभवी नेता हैं, और ये परिवार हमेशा विकास को प्राथमिकता रखता है, ठीक है, प्रदेश के हित के लिए। जहाँ चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश का निर्माण किया, उसके बाद यदि इस प्रदेश में पीने के पानी की कोई समस्या थी तो मैडम किरण चौधरी ने अपने कार्यकाल में ही उसको अगले 50 वर्ष तक का प्रबंध किया जी। तो अब भी जैसे श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनी है, तो क्या लगता है अब आपको कि मंत्री बनने के बाद पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर के उसी दिशा में चलेंगे? क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं चरखी दादरी, इस एरिया में भी उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, तो क्या लगता है? क्योंकि यहाँ से भी वो एक समय था जब लोकसभा में चुनी गई थी, सांसद बनी थी, तो क्या लगता है क्या इस एरिया में भी काम करवा पाएंगी, या फिर अब केवल तोसाम को ही टारगेट रखा जाएगा? नहीं, मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ये प्रदेश स्तर की लीडर हैं, और मैडम तो राष्ट्रीय स्तर की लीडर हैं, इन्होंने कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। ठीक है, जिस प्रकार चौधरी बंसीलाल ने पूरे हरियाणा को अपना माना और उसको पूरे हरियाणा में विकास के कार्य करे, ठीक उसी प्रकार बहन श्रुति चौधरी पूरे प्रदेश में काम करेंगी। और देखिए, ये तो भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट तो घर है, ठीक है, तो मतलब अच्छा काम होगा। हाँ, यहाँ तो देखो
पूरे प्रदेश में काम तो करेंगी पूरे में, लेकिन घर में तो काम मतलब उस काम की मात्राएं और ज़्यादा बढ़ के करेंगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी आपने कुछ बातें कही कि कांग्रेस के जुमले थे सारी चीज़ें, जुमले तो भाजपा के बताए जाते हैं, आप कांग्रेस के बता रहे हैं, आप क्योंकि कांग्रेस में भी रहे हो ठीक है और अब भाजपा में हो, तो ये इतना चेंजेस कैसे? कुछ टाइम पहले तक तो आप लोग ही भाजपा को काफ़ी बुरा भला बोलते थे कि जुमलेबाज सरकार है, काम नहीं होते हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, आज आप उन्हीं की तारीफें कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं, हम चौधरी सुरेंद्र सिंह की ये बहुत है, छोटे कार्यकर्ता के रूप में वहाँ से हमने अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र स्टार्ट किया। तो जिस टाइम पे हमने राजनीतिक शुरुआत की उस टाइम पे भाजपा और विकास पार्टी की गठबंधन की सरकार दी, भाजपा में ऐसा कुछ भी ये नहीं था जुमलेबाजी की बातें। हम 2004 में मैडम वहाँ पे चली गई तो अब जुमलेबाजी खत्म? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, 2004 में मैडम ने ही विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया, उसके बदौलत कांग्रेस को 68 सीटें प्राप्त हुई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य कहें कि एक बागडोर ऐसे आदमी को दे दी गई जिसको 68 सीट दे करके प्रदेश की सत्ता सौंपी और उन्होंने 13 पे लाके छोड़ दिया। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ कहीं कहीं अनदेखी हुई, तो हमें हमारी नेता ने और सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी नेता के मार्गदर्शन में बीजेपी ज्वाइन करी और हम अब बीजेपी के सिपाही और बीजेपी के पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और इसका तत्काल रिजल्ट ये है ही कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, क्योंकि मैडम किरण चौधरी के साथ वो विकास पार्टी के पुराने समय के कार्यकर्ता हैं, आज भी साथ हैं पूरे प्रदेश में, जिसकी बदौलत आज 48 सीट आई भाजपा की। आपको क्या लगता है मैडम की वजह से जो ये पूर्ण बहुमत की सरकार है बन पाई है? ऐसे है सुमेश जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नई सरकार व मैडम बहन श्रुति चौधरी के मंत्री बनने पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद रही बात मैडम की वर्चस्व की, मैडम के कारण ही पूरे हरियाणा में वोट बैंक बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि जो हरियाणा विकास पार्टी का वोट बैंक था वो पूरे हरियाणा में है और ये मैडम ने कांग्रेस को पहले दिखा दिया था हरियाणा में यात्रा करके कि हमारे पास वोट बैंक केवल महेंद्रगढ़ भिवानी में नहीं है, पूरे हरियाणा में है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस को ये दिखाने की कोशिश की थी कि भाई आप या तो हमारी बात मानो, नहीं मानते हो तो फिर हमें बुला बुरा नहीं करना है। परंतु शायद चली गई, परंतु हाँ इसलिए क्योंकि हुड्डा साहब ने केवल अपने पुत्र को सीएम बनाने के चक्कर में और कांग्रेस के तीन तेरा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या लगता है जब अब भाजपा की सरकार बन गई है, आपकी नेता जो हैं श्रुति चौधरी वो मंत्री बन गई हैं, उधर किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, अब क्या रहेगा? अगर हरियाणा में देखें तो क्या आने वाला जो समय है वो हरियाणा विकास की गति पकड़ पाएगा? क्योंकि पहले से यहाँ पर लोग कह रहे थे कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोड टूटे पड़े हैं, हालत ख़राब है, पानी नहीं है, सिविर बुरा हाल है, तो क्या व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी? देखो रही बात रोज़गार की, सबसे पहले रोज़गार मैं उस बात का भुगत भोगी हूँ, दूसरे लिए नहीं करता मैं जिस टाइम एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ और मैं जिस टाइम पेंशन आया उस टाइम मैं एमएड क्वालिफाइड था। ठीक है, परंतु चौटाला साहब की सरकार थी, मेरे को पीछे धकेल दिया गया जिसका परिणाम चौटाला साहब ने भुगतना पड़ा। ठीक है, मेरे जैसे कईयों किया होगा जिसका परिणाम आखिर में चौटाला साहब ने भुगतना पड़ा। उसके बाद अब जो 24,000 नौकरियां दी हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको बाहर भी कोई सरपंच भी उनको तवज्जो नहीं देता है, जिसके घर में आज नौकरी मिल गई। असली जो कहते हैं ना कि कौन किसके पॉलिटिशियन कौन किसके घर में बोरी डालता है, तो भाजपा ने 24,000 परिवारों को बोरी देने का काम किया, अनाज की बोरी देने का। उनसे काम नहीं लेंगे फिर कौन से काम? जो करेंगे तभी तो उनके घर पे तनख्वाह आएगी ना। नहीं काम तो कोई फ्री में थोड़ी ना डाल दिए, काम तो करने के लिए लोग तैयार हैं, परंतु बिना पर्ची और बिना खर्ची के 24,000 नौकरियां प्रदेश में सरकार बनते ही दी है। चलिए, काफी सारे लोग कहते हैं पर्ची खर्ची भी चल रही है। नहीं, जिसको कहना सबूत दो, और अगर कोई जबरदस्ती किसी जेब में डाल के आता है
तो लोग तो जेब खुली रखते हैं, कितने डाल दो। सुन सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कार्यकर्ता खुश हैं। श्यामलाल जी अभी हमारे साथ हैं, पार्षद, जिला पार्षद हैं, तो जरा बात करते हैं इनसे भी, कितनी खुशी है श्यामलाल जी, कितनी खुशी है अब आपकी नेता जो हैं मंत्री बन गए। बहुत बहुत खुशी है, खुशी इतनी है कि हम तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा DC समाज है वो तो भाई BJP के साथ ही था, हमें जो आज हक मिला है जो आरक्षण में, वो हमें भाई बहन जी और अन्य श्रेणी की, मतलब भाजपा की जीत में कहीं ना कहीं DAC समाज जो था वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा के आया है। बिल्कुल जी, हमें 22 तारीख को जो रैली करी थी जींद में, उसमें ये ही लिया था निर्णय कि हम BJP को वोट डालेंगे, और सरकार बनने पे हमें DAC मिलेगा। ठीक है, तो अब खुश हैं और अब जो आप लोगों का हक है वो शायद आपको मिल जाएगा लगता है। बिल्कुल मिलेगा जी, मिल गया, कर दिया जी, पर वो तो फैसला तो कर दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद क्या नौकरियों में उतनी जो तवज्जो आप लोगों को मिल पाएगी अब लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है जी, मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा टर्निंग पॉइंट भी शायद साबित हुआ होगा इस बार के चुनाव में। हाँ बिल्कुल हुआ जी, जो 2000 के उसमें मार्जिन में जीते हैं जो BJP के कैंडिडेट, वो यही कारण है जी। ठीक है, अब मंत्री जी से मिल के आए हो गए आप, वहाँ से क्या आश्वासन मिले? आश्वासन तो ऐसा है जी, अभी कुछ नहीं मिला, आगे की तैयारी है। अच्छा, हाँ तैयारी पूरी है। हाँ जी, चलिए तैयारी पूरी है। राम भगत जी से एक बार और जान लेते हैं, तो क्या कुछ आश्वासन, क्योंकि मैं देख पा रहा था जब वहाँ शपथ ग्रहण समारोह थे, कुछ फोटोज मैंने शायद देखे या उनमें भी आप लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो क्या माना जाए, वहाँ से क्या संदेश लेकर के आप वापस दादरी पहुँचे हैं? देखिए संदेश तो एक ही है कि वही दौर आएगा चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह वाला, वही विकास की रफ्तार होगी हरियाणा प्रदेश में, और हमें पूर्ण आशाएं हैं कि चौधरी बंसीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए बहन जी हरियाणा प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएगी, वही विकास के कार्य होंगे, वही 36 बिरादरी का काम होगा और वही 36 बिरादरी का सम्मान होगा। तो यहाँ सुन सकते हैं आपकी 36 बिरादरी का सम्मान होगा, वही विकास कार्य दोबारा से होंगे, प्रदेश को विकास की गति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो भाजपा की जब तीसरी बार सरकार बनी है तो कार्यकर्ता खुश हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, किरण चौधरी जी के साथ जो पुराने टाइम से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, हविपा के टाइम से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, ये लोग वो बैठे हैं, और सुबह से ही जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, एक बार फिर से भी दिखा देता हूँ, लड्डू यहीं रखे हैं, और ये लड्डुओं का जो सिलसिला है सुबह शुरू हुआ था और अब रात तक ये लड्डुओं का सिलसिला चल ही रहा है। तो लगातार इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और अब देखना यही होगा कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हरियाणा विकास की गति पकड़ेगा तो कितनी गति पकड़ पाएगा, तमाम चीज़ों पर हम भी अपनी नज़र बना करके रखेंगे। हालांकि अभी सरकार बनी है, फैसले होने बाकी हैं, DAC समाज के लिए एक बड़ा फैसला हो चुका है, उनको उनका हक जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो मिला था वो कहीं ना कहीं अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी करने की बात सामने निकल के आ चुकी है। तो अब धीरे धीरे और किस किस को कितना फ़ायदा मिलेगा, युवाओं को क्योंकि रोजगार भी मिल चुका है, तो देखते हैं कि क्या कुछ और निकल के आता है। जो समस्याएं जो पिछली सरकारों में देखने को मिली थी, क्या इस बार की सरकार में क्या भाजपा उन समस्याओं से निपट पाएगी या नहीं पाएगी, तो तमाम चीज़ों पर नज़र बना के रखेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।